हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इब्राहिम है और आप देख रहे हैं दोबारा से दाइजे गेम्स। एंड गाइस यार, हम आ चुके हैं दोबारा से अपनी इस वर्ल्ड के अंदर और ये रहा मैं। और इस वर्ल्ड के अंदर हम लोगों ने ऑन किया हुआ है हमारा RTX ग्राफिक्स। देखो भाई क्या ख़तरनाक है। और मैं भी हूँ अपने इस मॉडर्न हाउस के प्यारे से। आज की वीडियो के ना यार, हम लोग काफ़ी ज़्यादा तगड़ी चीज़ करने वाले हैं यार। आज की वीडियो के ना बेसिकली आपको पता ही होगा कि उस्मान ने एक फार्म बनाया था जिसके अंदर ना वो काफ़ी ज़्यादा छोटा सा फार्म था, तो उसके अंदर ना इतना कोई ना भीड़ वगैरह उगता नहीं था। तो ना मैंने क्या किया, मैं ना जिस वक्त अपना सामान शिफ्ट करवा रहा था ना इस घर के अंदर नए वाले, वो देखो वो चेस्ट लगी हुई है उसके, मैंने ना खाना वगैरह स्टोर करवा रहा था ना जिस वक्त, तो ना मैंने देखा कि मेरे पास कैरेट भी है। मुझे नहीं पता कि मैं कब लेके आया हूँ, तो मैं सोचा कि क्यों ना यार एक बहुत ज़्यादा बड़ा फार्म बनाया जाए जिसके ना हम लोग कैरेट को भी उगाएं और वीट को भी उगाएं, बीटरूट को भी उगाएं, मतलब ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम लोग उगाएं। तो मैं सोच रहा हूँ, तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग अल्ट्रा जाइंट फार्म बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाने वाले हैं। मतलब कि जो हमारा अपना फार्म है ना, जो हमारी मल्टीप्लाई वाली वर्ल्ड है, उससे भी ज़्यादा बड़ा हम लोग फार्म बनाने वाले हैं। तो वीडियो कभी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को अंदर देना और हमारी वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये मेरे पास ना यहाँ पे इस चेस्ट के अंदर पड़ा हुआ है कुछ खाने पीने का सामान। और देखो ये है कैरेट और ये है बीटरूट और ये है बीटरूट के सीड्स। तो यार इनको हम लोग उगाने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ना ये जो हमारे पास शुगर कैन है, इसको भी हम लोग उगाने वाले हैं। और इसके अंदर तो बाकी सारे अंडे वगैरह पड़े हुए हैं, तो इनकी इतनी कोई ज़रूरत है नहीं। और इसके अंदर सारा उस्मान का सामान पड़ा हुआ है और मैंने अपना सामान इस चेस्ट कैसे निकाल लिया है। तो अभी हम लोग चलते हैं अपनी तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले तो मुझे चाहिए होगा यार, मैं दिखा दूँगी मैंने क्या क्या रखा हुआ है। ज़रा ये पूरी की पूरी जगह जो मैंने पूरी की पूरी क्लीन कर दिया, पूरी की पूरी मैंने साफ़ कर दिया अपना ना। यहाँ पे इतना बड़ा अल्ट्रा जॉइंट फार्म आने वाला है और ये जो घर है ना, ये जल्द टूटने वाला है, क्योंकि अब मैं आस्ते आस्ते ना सारा सामान शिफ्ट कर रहा हूँ उस्मान के साथ मिलकर। देखो यार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम सामान रह गया और इसके भी काफ़ी ज़्यादा कम सामान रह गया और इसके भी काफ़ी, मतलब कि ना हम लोग ना सामान शिफ्ट करवा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, पूरा पूरा सामान शिफ्ट करवा रहे हैं हम लोग और काफ़ी ज़्यादा ना मज़ा आने वाला है। और चलो अब आगे चलते हैं, बाहर चलते हैं हम लोग। और मैं देख लेता हूँ कि पहले मेरे पास अंदर जाके देखता हूँ कि मेरे पास कोई यार सीट पड़ा हुआ है कि नहीं इस चेस्ट के, मैं चेक करता हूँ क्योंकि जितना ज़्यादा सीट्स होंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा होगा। कि मैं पहले देख लेता हूँ कि अगर थोड़े बहुत सीट्स पड़े हुए ना तो उनका भी नुकसान ले लेंगे। देखो जैसे 8 मिल गए हैं मुझे, मैं चेक कर लेता हूँ, वो तो नहीं है कहीं। और इधर से मुझे 9 मिल गए और चेक करते हैं इसमें तो और नहीं है, इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें भी नहीं है यार और इसमें भी नहीं है। टोटल हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 9 सीट्स देखने को मिले हैं यहाँ पर। तो मैं काफ़ी ज़्यादा सीट्स तोड़ने वाला हूँ यार, ताकि हम लोग ना काफ़ी ज़्यादा इनकम नहीं तोड़ने वाला, क्योंकि यार ये अपने घर की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। अगर ये तोड़ दिया तो हमारा घर फिर अच्छा नहीं लगेगा। और फिलहाल मैंने ना ये बंद किया हुआ गैराज का दरवाज़ा, मैं जिना नदर से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेके आता रहता हूँ मैं साथ साथ। अभी यहाँ पर तो मुझे कहीं पर यार नज़र आ ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया, नजर ही नहीं आ रहा। आगे एक मिला है मुझे, बल्कि आगे तो काफ़ी ज़्यादा है यार, हमारा काम हो जाने वाला है। अब मैं जो ना इधर से जल्दी जल्दी ना वो थोड़ा शुरू कर देता हूँ जिनकी हम लोगों को मेन ज़रूरत है, सीट मुझे चाहिए मेन। तो इधर से ना मैं सारी ना सीट जल्दी जल्दी तोड़ दूँगा। और इधर से देखो मुझे सीट मिल गया, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीट है इनको, मैं इधर से मतलब ग्रास है इनको मैं जल्दी से तोड़ लेता हूँ। काफ़ी ज़्यादा सीट होने वाले हैं यार हमारे पास, फिर ही मज़ा आएगा, तभी हमारा फार्म जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। ये अगर हम लोग कम सीट्स लेंगे तो फिर हमारा फार्म ही ज़्यादा सी बात है छोटा पड़ेगा और फिर ना मज़ा नहीं आएगा। मैं अल्ट्रा जॉइंट अल्ट्रा सुपर जॉइंट फार्म लेने वाला हूँ, तो ना उसके लिए हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चाहिए होंगी। और मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें, आप सब नहीं चलते। मुझे मैं अल्ट्रा जॉइंट लेवल पे फार्म लेने वाला हूँ, इसलिए मैंने ना काफ़ी ज़्यादा मैंने ना आपका जगह प्लान किया है। अभी देखते हो कितने हुए हैं, 14 हो गए हैं, इनसे अब हमारा काम भी नहीं जल्दी क्योंकि मुझे बनने वाला। अभी जितने ज़्यादा हो सके ना उतने ज़्यादा मैं इकट्ठे करने वाला हूँ। ओ मैं माइंड में गिर चुका हूँ, कुछ लोग कोई नहीं। अभी ना हम लोग यार काफ़ी ज़्यादा ना सीट्स तोड़ते हैं और ना उसके बाद आपसे मिलते हैं। गाजर आ गया, मैं बताना भूल गया था आपको यार, हम लोग ना इतना ज़्यादा दूर आ गए ना। देखो हम लोगों ने क्या अपने घर के पास से ये इसकी ग्राइंडिंग करना शुरू की थी और ना ग्राइंडिंग करते करते ना
मैं इस मैंने पता नहीं इस पुराने से विलेज के अंदर आ चुका हूँ जहाँ पे मैं जो है पहले भी आया था, लेकिन इस ये बिल्कुल जो है इस विलेज से कोई बंदा रहता ही नहीं था, तो इसलिए मुझे ना इतना कुछ मिला नहीं था। तो अभी ना यार मैं आ चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा दूर, और देखता हूँ कि कितना हो गया है, 64 and 22, और ये मेरे पास शुगर केन ही मैंने इकट्ठे किए थोड़े बहुत। भैया मुझे लगता है कि इतना काफ़ी रहेगा। गाइस मैं भी आ गया हूँ इधर वर्ल्ड में। हाँ यार अभी ना मैंने वहाँ पे ना हेबल देख ली थी, देखो मैं हेबल कहाँ पड़ी हुई है, गार्डन हाउस बना। और ये यार देखो गाइस यार यहाँ पे हेबल पहले है, तो मैं हेबल को ना इधर से उठा लूँगा, खा लेता हूँ पहले खा लेता हूँ। और यहाँ पे गाइस यार इसको मैं इसको हेबल को तोड़ता हूँ, और भाई क्या टेक्सचर है इसके यार। अभी ना मैं इधर से इसको तोड़ देता हूँ सॉरी हेबल को। और है क्या, और थोड़ी सी दे दो भाई हेबल हेबल हेबल। नहीं गाइस यार हेबल तो इतनी ही है, अब मुझे निकलना चाहिए, और मुझे पता नहीं है कि हम लोगों ने निकलना किधर से है। क्या करेगा ऐसा करना, टेलीपोर्ट कर लेते हैं। डैमेज क्यों पहुंचा मुझे? अच्छा उस्मान ऊपर खड़ा हुआ है। और गाइस अभी हार चुके हैं हम लोग यहाँ पर, और ये पता नहीं कि मुझे ना ये मिल गया था, मुझे इसका काम नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा कि ये काम हमारे आ सकता है किसी ना किसी चीज़ में। तो अभी ना मैं मेरे पास ये सारा सामान तो हो चुका है, अब मुझे चाहिए वुड, और मेरे पास वुड जो है काफ़ी ज़्यादा है, मैं वो दिखा देता हूँ मेरे मॉडल से जाके पहले। सो तू अगले सो जा, मैं आपको जाकर दिखाता हूँ, मैंने मॉडल उसने थोड़ा बहुत सामान शिफ्ट करवाया, वो मैं आपको जाकर दिखा लेता हूँ। देखो कोबल स्टोन है, कोबल स्टोन है, आ जा जरा आगे हो जा। अभी देखो यार मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, और ना तो कुछ ना उस्मान लेके चला गया उस्मान, क्योंकि कपड़े ना घर में रहता है, ये सारा काम लोग अब यूज़ कर लेंगे ठीक है। आगे सो जा। मेरे पास अभी ओके हैं ना सही वुड प्लैंक्स, लेकिन अभी इनसे काम नहीं बनने वाला। ये डाई को मैं किसी और चेस्ट में स्टोर करा देता हूँ, इस वाली चेस्ट में स्टोर करा देते हैं डाई को ये यहाँ पे, और इसको भी मैं जिन्ना कन्वर्ट कर लेता हूँ उस हेबल को। स्टीव इज स्लीपिंग इन अ बेड, टू स्किप टू डॉन ऑल प्लेयर्स नीड टू स्लीप इन बेड्स एट द सेम टाइम। तो मैं यहाँ पे सो जाता हूँ गाइस। यार सीट दे ना, सीट में बस 64 और 20 है, बहुत ग्राइंडिंग है। 20 दे दे यार, मैं अभी लगाने लगा ना वहाँ पे, मुझे अभी ज़रूरत है यार समझा कर। हाँ गाइस अभी मुझे यहाँ पे ना जल्दी से जाके गियर लेना है, ये जितने भी वुड प्लैंक्स हैं ना अब ये हमारे काम आने वाले हैं। ये मैंने काफ़ी पहले तोड़ा था, आपको याद ही होगा, ये मैंने ना बहुत पहले तोड़े थे ठीक है। मैं जाना नहीं है, मैंने वो करना। अबे यार मेरे पास क्रमेट है, ये गाइस क्राफ्टिंग टेबल। अरे कोबल स्टोन है, कोबल स्टोन चेक कर ले यार, यार दे दे यार अगर है तो। ऐसा करता हूँ इन 44 के मैं बना लेता हूँ स्टिक्स सारी की सारी। जो माइनिंग करके आए थे उसका कोबल स्टोन तो होगा ही ना, जो हमारे पास बहुत पहले तो याद होगा था, मुझे नहीं पता यार चेक करता हूँ। अब बनाना शुरू करते हैं हम लोग अपना जो है हमारे क्या नाम है उसका फेंस। मैं यहाँ पे ये फेंस मैं यहाँ तेरे घर में खेलता हूँ, और मुझे यार इतनी ज़्यादा फैंस चाहिए, इतनी ज़्यादा फैंस चाहिए कि बस अब पूछो मत यार। इधर है ही नहीं माशाल्लाह, मैं भी थोड़ा सा और कब मस्टिक्स बना लेता हूँ यार। क्या है यार इधर है इतना मीर और फैंस पड़े, सोल सैंड है, एमरल्ड है जो कि मुझे चाहिए। 64 ही हो चुका है, और 3 स्टैक और बाकी के मैंने छोटे से गेट बना लेता हूँ। 1 2 ओके 2 गेट्स ही बने हैं। हाँ और गाइस ये है हमारी पूरी सिटी बनने वाली है, मतलब ना ये पूरा एक टाइप से प्लॉट बन चुका है, प्लॉट हमारी ये वाली साइड हो गई है, अभी ये वाली साइड नहीं हुई। और यहाँ मैं 3 ब्लॉक की ऐप पे मैं इधर अपनी ये सॉरी ये जो वीडियो ना भी हम लोग इसने इसको अपने पास ही रखता है, ये हम लोग ना थोड़ी देर बाद काम में लेने वाले हैं। और ये उस्मान की पिकक्स मेरे ख्याल में इसको हम लोग यहाँ स्टोर करा देते हैं। नहीं वहीं पर स्टोर कराया जाए, मेरे पास मैंने आयरन की बना ली है। अच्छा मैं इतनी मुश्किल से मैंने गेम लगाई तो माशाल्लाह मेरे पास खाली हाथ था, तो मैंने इतनी लकड़ी के लगाए वेपन्स बनाए, फिर मैंने स्टोन के, फिर आखिरकार मैंने एक बड़ा आयरन लेके आयरन का हेलमेट और आयरन की
बूट्स लेके एक यही बना ली। मैंने कहा कि अभी गाइस हम लोग बनाने वाले हैं अपना फार्म जो कि काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला है, और गाइस मेरे घर भी तगड़ा होने वाला है, एक लाइक तो जरूर बनते हैं। और बारिश रुक गई भी गाइस, यार पता नहीं हम लोग एक कमांड्स वगैरह देना कब बंद करने वाले हैं, मुझे भी नहीं पता। और ये जो जगह है ना, ये खास अपना फार्म बनाने के लिए मैंने ये जगह रेडी किया है। और ये तो अपना वो वाला फार्म है, क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं छोड़ो, स्टोन फार्म, एनिमल फार्म, एनिमल। तो एनिमल फार्म करना ही आप थोड़ा सा दूर इधर इधर करके बनाने वाले हैं हम लोग। तो ना इसका मुझे पहले यहाँ पे ये बनाना पड़ेगा पहले अपनी बाउंड्री वॉल, जो कि मैं इतना पीछे ले जाऊँगा कि जितना पीछे हो सके, ठीक है। और इतना ज़्यादा पीछे हो गए हैं, चलो छोड़ो भाई, अभी इधर से पीछे लेकर चलते हैं जितना ज़्यादा पीछे हो सके। कैसे बनाते हैं सीड फार्म? वीड फार्म? सीड फार्म, सीड, सीड फार्म तो नहीं होता, वीड फार्म के अंदर से सीड मिलते हैं। अभी यार इधर से ना सनक सनक यहाँ पे लगाते हैं। तो हम लोगों ने बना लिया यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा एरिया, देख सकते हो यार इतना ज्यादा बड़ा एरिया ना, क्या देख कर ही आप समझ गए हो गए। तो यहाँ पे मैंने एक गेट लगा दिया है, और अभी वहाँ पे जाके हम लोग ने एक और अपना यहाँ पे एक और हमने गेट लगाया, देखो ये है वाला हमने, यार हमारी यहाँ हॉय बनानेगी, तो हॉय में जाके देख लेता हूँ कि कैसे बनेगी और मैं कौन सी बनानी चाहिए मुझे। आयरन मेरे पास, मेरे ख्याल में नहीं पड़ा हुआ इसमें, तेरे पास है आयरन? मेरे पास था लेकिन मैंने उसको यूज़ कर दिया, तो वो मेरा था। अब यार ये मत कहना कि मुझे दोबारा आयरन की ग्राइंडिंग करने जाना पड़ेगा, वो स्टोन की बना लेते हैं फिलहाल। यार क्या हो सकता है, दूसरे वाले घर पे जाके चेक करता हूँ, वहाँ शायद पड़ा हुआ हो। हाँ अगर नहीं पड़ा मैं जाके जगह से एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ। और मेरा घर बहुत फिट बन रहा है भाई, मुझे लगा था बहुत घटिया हुआ, लेकिन इतना फिट घर मैंने आज तक नहीं देखा। थोड़ा सा मिल जाए, ये तो पॉलिश बेसाल्ट है, तेरे पास है कोबल स्टोन? हाँ मैं यूज़ कर रही हूँ कोबल स्टोन, थोड़ा सा दे दे। कितने दे दी थे? 10 दे दे। मैं इस उस्मान की चेस्ट में चेक कर लेता हूँ, या तो लीव्स पड़े हुए नहीं है ना, मैं तेले खोद के लाता हूँ। और यहाँ मैं चार... हाँ यार मेरा फार्म में से जाके निकालते हैं यार, फार्म कैसे बनाया है, क्या निकाल? तो रहने दो, मैं फार्म से लेके निकाल लेता हूँ। इधर मसा निकाल दिया थोड़े से, ये मेरा फार्म, इधर से मसा निकाल दी, यहाँ पे अनलिमिटेड होता है यार, तो मिलेगा नहीं। अरे यार भाई ऊपर चलो इधर से, तो थोड़ा सा और तो लेते हैं फिर चलते हैं यार। अभी इधर से अंदर से जाकर निकाल लेते हैं, ये हमारे पास हो चुका है, इतना काफ़ी रहेगा आई थिंक। अभी ये दोबारा रात होने वाली, तो हम लोगों को दोबारा सुन पड़ेगा, आ जाए जल्दी से, जल्दी कैसे हो जाती है, इतनी देर से हो गई, आ जा सोते हैं। तो मैं घर कल बनाऊंगा, मेरी किस्मत है मेरे पास स्टिक्स तो पड़ी होंगे, मैं स्टिक्स उधर से जाके निकाल दूँ। 29 है मेरे पास, स्टिक्स नहीं है, वाह वाह बड़ू। अभी ना इधर से थोड़ी सी स्टिक्स बना लेते हैं, शुक्र में पाया कि रोड किचन था, वाह क्या जुगाड़ी बन रहा हूँ। अभी मैंने ना एक शॉवल बनानी है, शॉवल ही यार सॉरी शॉवल यार ज़ाया कर दिया यार, क्या करना है, शॉवल्स को मैं यहीं पे रख देता हूँ स्टोर पर रहता हूँ। स्टीव इज स्लीपिंग इन अ बेड, जस्ट स्किप टू द, मैं गाइस मैं भी यहाँ पे सो जाता हूँ। और हम लोगों को यार बेसिकली हाय बनानी है,
मैं पता नहीं एक बना दिया मैंने, दो तीन हाय हमारे लिए काफ़ी रहने वाली है, तो मैं ना इधर से जल्दी से दो तीन हॉय बना लेता हूँ। हॉय 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 हॉय, ये रही हॉय, तीन हॉय हमारे पास काफ़ी रहने वाली हैं। अभी मैं जल्दी से निकलते हैं और जाके अपना काम करना शुरू करते हैं। और हाँ यार, शॉवल की ज़रूरत है, मैंने शॉवल बना के सही किया है, दो शॉवल भी ले लेते हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ अभी आगे चल के। ये वन और ये टू, और अभी इनको मैं यहाँ स्टोर करा देता हूँ। ये एक हॉय और एक शॉवल मैं अपने हाथ में रखूँगा। तो अभी ना मैं जल्दी से निकलता हूँ इधर से और चलता हूँ अपने फार्म पर और वहाँ जाकर अपना काम करना शुरू करता हूँ। ये वहाँ पे वो मेरा फार्म रहा, अभी जल्दी से वहाँ पे चलते हैं और वहाँ जाके अपना कमरा काम करना शुरू करते हैं। और ये मैं आ चुका हूँ, और मुझे पानी में इतना ज़्यादा चाहिए होगा ना यार कि बस हालत मेरी ना ख़राब होने वाली है। तो अभी हम लोग ना जल्दी से अपना यार एक फॉर्म बनाना शुरू करते हैं, यार टाइम कभी ज़्यादा लग जाएगा इसलिए ना वीडियो को स्टॉप कर रहा हूं। अब गाइस यार देखो यार, काफ़ी ज़्यादा यार मेहनत करने के बाद ना मेरा इतना काम हो चुका है, आपको मैं दिखा देता हूँ कितना काम हुआ है। देखो यहाँ पर मैंने ना ये सारी सारी वीट लगा दी है और यहाँ पर भी लगा दी, लेकिन यहाँ मैंने थोड़ी दूसरे तरीके से लगाई है, और मतलब कि ये दरमियान दरमियान में ना मैंने ये शॉवल से ये कर दिया। ये देखो शॉवल भी टूटने वाली मेरी, और बाकी ये देखो मैं गाइस ये मेरा यहाँ पे ये किया मैंने, और यहाँ पर मैंने ये कर दिया, और अभी ना यहाँ पर मेरी शॉवल अभी फेरनी है, लेकिन इधर से मुझे लग रहा है ख़राब हुआ है। हाँ गाइस ख़राब हुआ है, इस कैरेट को मैं इधर वापस लगा देता हूँ यहाँ पर। अब मुझे अभी रात होने वाली है, मुझे जाके सोना पड़ेगा अभी। कैसे मैं जाके ना जल्दी से जाके ना सो जाता हूँ मैं। वो रहा मेरा मॉडर्न हाउस, और ये अंदर का चीज़ दी है। अबे चिक, अभी ये मैं आ गया अंदर, बस क्रीपर वगैरह ना हो। नहीं है, रिस्पॉन पॉइंट सेट, यू कैन ओनली स्लीप एट नाइट, रिस्पॉन पॉइंट सेट। अबे क्या रात नहीं हुई, अब क्या कर सकते हैं। Changing to clear weather. Set. अभी गाइस हम लोग दोबारा से चलते हैं अपने फार्म पर, और ये हरा हमारा फार्म काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रा लार्ज इसका साइज है, और इसके आगे ना मेरा वो छोटा पिद्दू सा फार्म रह गया जो मैंने इतना ज़्यादा बड़ा बनाया था। अभी यहाँ पे मुझे यहाँ पे शॉवल चढ़ानी है, इससे काफ़ी ज़्यादा स्लो का होगा इसलिए हम लोग इस तरह से काम करेंगे, तो बहुत फास्ट काम होता है। अब देख के अंदाजा लगा सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा फार्म है यार। अब यार ये भी टूट गई, और बड़ी है, हाँ आखिरी बड़ी भी है। देखो यार मेहनत काफ़ी ज़्यादा लग रही है इस पर, अभी देखो हुआ, और अब ना ये आखिरी रह गया बीट रूट का, तो बीट रूट का मुझे यहाँ पे लगाना है, और वो जो ना वो मुझे बहुत ज़्यादा कम पड़ गया था यार, इतने ज़्यादा ग्राइंडिंग की ना मैंने, पता नहीं कहाँ कहाँ दूर दूर तक जा गया ना मैंने। अभी यहाँ पे मुझे हॉय चलानी है शायद, हाँ हॉय चलानी है, हाँ परफेक्ट है। यहाँ पे ना देखो यार ये ऐसे बन जाता है, इसमें जिसमें ना साथ साथ बीट रूट लगाना पड़ेगा इस तरह से। थोड़ा सा दूर चल देते हैं और उसके बाद उधर से जाकर हम लोग दोबारा लगा देते हैं बीट रूट को, और ना शुगर केन भी हम लोग ना लगा देंगे, लेकिन अगली एपिसोड में, क्योंकि ना यार ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ना पहले ही लंबी हो चुकी हुई है। तो इधर से मैं खींचते हुए ले आता हूँ, और यार मुझे लगता है कि ना इस वीडियो में ना इतना काफ़ी रहेगा, क्योंकि ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है। तो ना यार बाकी जब तक हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे तब तक मैं ये सारा का सारा काम मैं कर रखूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना, और जिन्हें मिलेंगे इस वीडियो में करो 25 लाइक्स, ताकि आपके लिए फुल सिलेंडर गैस का डाउनलोडिंग प्रोसेस ले आऊँ। और देखो यार ये भी टूट गई है, और हमारी वीडियो को हमारी वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन बजा के ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर देना, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की जो है ना नोटिफिकेशन मिल जाए। और हम लोग मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।